गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली एग्जाम हो चुका है खत्म और हमारा प्लान बन रहा था कैंपिंग करने का एग्जाम के बाद। तो अभी हम लोग निकल रहे लोनावला में कैंपिंग के लिए क्योंकि हमारा हॉस्टल यहीं पे है। तो अभी बाकी लोग आगे जा चुके हैं और हम अभी पीछे ब्लॉग का कुछ पार्ट शूट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे अभी रह गए। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे पावना लेक हमारा कॉलेज लोनावला में, और लोनावला में मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है तो अभी कैंपिंग करने का मूड बन गया। हम लोग आधे रास्ते में आ चुके हैं और लिया गया है यहाँ पे ब्रेक। सब फोटो सेशन यहाँ का चालू है और आप व्यू देखो सिर्फ। यहाँ से अब पौना थोड़ी ही दूर पे और अभी हनी और ऋतिक पीछे छूट गया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो पौना कैंपिंग से आते आते हमने छोटा सा एक रेस्ट ले लिया है, यहाँ वाटरफॉल दिखा तो सब यहाँ फोटो खिंचाने के लिए आ गए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते में हमें इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस मिल रहे थे कि मन कर रहा था वहीं रुक जाएं। और मॉनसून में जो अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग करने का मज़ा आ रहा था वो तो क्या ही कहें। अभी हम अपने कैंपिंग डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है काफ़ी तेज। लोग समर में करते हैं कैंपिंग, विंटर में करते हैं कैंपिंग, हम लोग इस बार सोचे कि कुछ नया मानसून में करके देखते हैं कैंपिंग। काफ़ी ठंड है लोनावला में तो हम बारिश में करने जा रहे हैं कैंपिंग और ये हमारा डेस्टिनेशन है। वहाँ पर अभी हम लोग का सेटअप टेंट वेंट लगा नहीं है, अभी वहाँ पर भैया लोग बोले हैं कि टेंट नीचे लगा के हम लोग को देंगे। अभी हमारा आ चुका है स्नैक्स और अभी हम जा रहे हैं स्नैक्स खाने। तो बारिश हो रही थी काफ़ी तेज तो आउटडोर में हमारे पास कुछ अवेलेबल तो नहीं था, तो हमारे पास आर्करी था, तीर कमान मतलब। तो पहले तो किसी का निशाना शुरू में नहीं लग रहा था, बाद में धीरे धीरे सबका लगने लगा। तो उसके बाद हमारा हुआ इंडोर गेम स्टार्ट कैरम। कैरम में तो ऋतिक इतना निशाना ले लेके दे रहा था कि हमें तो इतनी बेर हमें सहर आया कि क्या ही बोले। हमारा कैंप सेट हो चुका है और हमारा कैंप का सेटअप कुछ इस तरह लगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हो रही है बारिश और अभी हम कैंप के बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे अगर बारिश नहीं होती तो वहाँ पे बॉन फायर होता, पर अभी बारिश चल रही है तो वहाँ शेडिंग में ही बॉन फायर होगा। यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैंपिंग इस तरह दिखता है हमारा। और वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं स्टे, वहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है। बारिश है इसलिए पावना में अभी शेडिंग में हमारा टेंट लगा हुआ है। तो सब विंटर समर में तो कैंपिंग करते हैं मगर मानसून में कोई कैंपिंग नहीं करता, तो आप लोग एक बार मानसून में भी कैंपिंग करके देखो अच्छा लगेगा। तो अभी डिनर लग चुका है और अभी हम जा रहे हैं डिनर खाने। वेज का अलग है और नॉन वेज का अलग है। तो आते ही यहाँ एक अलग ग्रुप बन गया वेज और नॉन वेज का। यहाँ मेरे पार्टनर्स मिल गए हैं वेज के, ये दोनों ऐसे वेज खाते नहीं है, उपवास के लिए खा लिए। आज क्या है कि वेज है और मैं हमेशा अलग पड़ जाता हूँ, बस इस बार कोई पार्टनर मिल गए, नहीं तो सब ऐसे ट्रीट करते हैं वेज वालों को कि वो कोई अलग ग्रह से आए हैं। तो यहाँ है वेज वालों के लिए चपाती, जलेबी और भैया पनीर खोल दो थोड़ा। डबल पैट है, सिंगल लेना। ये पनीर है, डाल दो डाल दो। और ये है दाल, दाल तड़का। और ये है राइस, जीरा राइस। टेबल पे सिर्फ चेयर गेम बस होता है। आ एक टेबल लाते हो तुम्ही तो पर बस है। ये नॉनवेज चिकन करी कैसे था। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे कैंपिंग का सबसे मेन पार्ट, बॉन फायर। तो धीरे धीरे जैसे ही आग बढ़ता गया सभी दोस्त आपस में बैठ के बातें करने लगे, गप्पे लड़ाने लगे, सैड सॉन्ग पे वो अपने ब्रेकअप वाले किस्से सुनाने लगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा पार्ट था बॉन फायर, सब अपने दिल की बात सुना रहे थे कैसे उनका ब्रेकअप हुआ, फिर वही डांस, सब डांस। तो अभी रात के बज रहे हैं 3, तो सुबह हमारा है ब्रेकफास्ट। सुबह 7 या 8 बजे हमें उठना होगा और वहाँ से जाएंगे सीधे पावना। तो सुबह हम उठे ही 11:30 बजे और हम नाश्ता वास्ता कुछ नहीं कर पाए और हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ा। 11 का चेकआउट था मगर हमें वो फिर भी टाइम दिए 12 बजे तक का। तो बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। हाँ तो बस कैंपिंग इतना ही तक था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।